नमस्कार, आजकल न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपके साथ जयेंद्र पांडे, और मेरे साथ मौजूद हमारे सहयोगी मानस। वर्तमान में भारत की राजनीति में एक मुद्दा गरमाया हुआ है वीर सावरकर का। आपको बता दें कि आज उद्धव ठाकरे ने एक बयान दिया है कि सावरकर हमारे भगवान हैं, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं। आपको बताते चले कि राहुल गांधी ने 2 दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि मैं गांधी हूँ, सावरकर नहीं। तो इसी जो ये मुद्दा है, इसी के सिलसिले में आज हम बात करने के लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो मानस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मानस, जो ये वर्तमान में जैसे भी उद्धव ठाकरे ने बयान दिया, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, वीर सावरकर जो है, पहली चीज़ की महाराष्ट्र की जब हम राजनीति को देखते हैं पुराने समय से भी, तो वीर सावरकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर है वहाँ पे। हालांकि वो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है उनके साथ, बहुत जटिलताएं हैं, उनको लेके कई भ्रांतियाँ भी हैं लोगों में। और सबसे बड़ी जो आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी, या इवन कहें जो गांधी, जो राहुल गांधी जो कहते हैं कि वो उन्होंने माफ़ी मांगी या मर्सी पिटिशंस, तो मैं इतिहासकार विक्रम संपत की किताब का यहाँ हवाला देना चाहूँगा, जो उन्होंने हाल में 2 साल पहले इन्होंने किताब लिखी है। 2 खंड हैं इसके, ये पहला खंड है। तो जब आप उन पिटिशंस के बारे में आप जानना चाहेंगे जो उन्होंने जेल में रहते हुए लिखी थी, तो आप समझेंगे कि एक उस समय टेम्पलेट हुआ करता था, फिक्स टेम्पलेट था, जिसके तहत उसी फॉर्मेट में सभी लोग, और चूँकि सावरकर एक वकालत की पढ़ाई करके आए थे लंदन से, इंडिया हाउस का इनका काफ़ी जिक्र है, भारत की पहली सीक्रेट सोसाइटी जो इन्होंने बनाई थी वहाँ पे, वहाँ रहते हुए, तो जो वकालत वो करते थे, वकालत की वजह से बाकी कैदियों के भी जो पिटिशंस होते थे या चीज़ें थी, ये वो लिखा करते थे या उनकी मदद किया करते थे कानूनी तौर पर। क्योंकि आप देखेंगे जो क्रांतिकारी होते हैं, कांग्रेस के लोग जो जेल में जाया करते थे, मैक्सिमम वो अधिकतर वो लोग ऐसे होते थे जो काफ़ी एज के, 30 साल या 35 साल के एज, लेकिन जो क्रांतिकारी जो दल हुआ करता था उसमें 16 साल, 18 साल, 20-20 साल के जो युवा आया करते थे, तो उनको कानूनी सहायता दिया करते थे सावरकर। तो वो मर्सी पिटीशन बेसिकली नहीं थी, उसको मर्सी पिटीशन उस समय किसी ने नहीं कहा, उसके काफ़ी समय बाद तक किसी ने नहीं कहा। अब ये मुद्दा कहाँ से आया राजनीति में, क्योंकि राजनीति में किसी चीज़ की छोर नहीं मिलती, तो वही इस चीज़ की और छोर पता नहीं चल रहा कि ये बात आई कहाँ से, कि वो पिटीशंस उनकी मर्सी पिटीशंस थी। मानस, अभी हाल ही में राहुल गांधी की जो मेंबरशिप थी वो मतलब ख़त्म कर दी गई, उन्होंने ये उल्टा सीधा बयान दिया था। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जो वीर सावरकर को लेकर वो बार बार बयान दे रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा भी जब चल रही थी तो उन्होंने भी कई बार इसी का जिक्र किया, वीर सावरकर का जिक्र किया, तो इसको आप वर्तमान की मतलब क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि जो ये पॉलिटिक्स है इसमें कहीं ना कहीं कि ये सेट करना चाह रहे हैं? देखिए, जो सावरकर जो महाराष्ट्र के हैं, उस समय हमें ये समझना पड़ेगा जब हम पीछे जाते हैं, तो उस समय से इनकी रिलेवेंस महाराष्ट्र में एक बहुत ही प्रोमिनेंट, मतलब इनको पूजा जाता है एक तरह से, और इन्होंने कई ऐसे काम किए, जैसे दलित उत्थान के लिए सावरकर का नाम बहुत आगे आता है, क्योंकि इन्होंने एक पतित पावन मंदिर की स्थापना की, जिसमें क्योंकि ये जाति प्रथा के सख्त खिलाफ थे। इनकी एक गांधी जी से जो चर्चा है वो काफ़ी वायरल है, महात्मा गांधी से, कि जब ये कहते हैं कि कास्ट सिस्टम को एबॉलिश कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, तो गांधी जी वहाँ कहते हैं कि नहीं नहीं ये सामाजिक ताने बाने में और कास्ट सिस्टम में मेरा पूरा बिलीव है। तो उसी चीज़ को लेके इन्होंने एक पतित पावन मंदिर की स्थापना की थी, जहाँ जो छोटी जात जिनको कहा जाता है, जो हरिजन कहा जाता है, हरिजन के भी ये खिलाफ थे कि हरिजन तो हम सब लोग हैं, हरि के जन हम सब लोग हैं, लेकिन उनको आप शोषित कह सकते हैं, पीड़ित कह सकते हैं, लेकिन वो हरिजन आप एक अलग, आप तो खुद उनको अलग कर रहे हैं। तो सावरकर की थिंकिंग थोड़ी सी, सोच उनकी डिफरेंट थी महात्मा गांधी से। और एक बात और सच है कि महात्मा गांधी की सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी अगर कोई थे उस समय, तो वो विनायक दामोदर सावरकर हुआ करते थे। अब बात करें इनके बैकग्राउंड की, तो वासुदेव बलवंत फड़के और चाफेकर बंधु जो थे, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में भी किया था कि कांग्रेस के लोगों ने कभी चाफेकर बंधुओं का नाम नहीं लिया, तो इस तरह के लोगों से, ये मैडम भिकाजी कामा, लाला हरदयाल ऐसे, और तिलक जो उनका केसरी नाम का अखबार था तिलक, उससे ये प्रेरित थे। तो वो ऐसी चीज़ें, ये क्रांतिकारी थे। ये गांधी जी को हमें समझना पड़ेगा कि गांधी जी एक पॉलिटिशियन थे, सभ्य इंसान, सिविल सोसाइटीज़ में रहते थे, अच्छे लोगों में उठते बैठते थे, पर सावरकर ने वो जो पूना में आपने देखा होगा, एक इस किताब में भी चर्चा है इस बात की, कि वहाँ पे प्लेग फैला था, और अभी आपने कोरोना में भी देखा होगा कि सरकारी नीतियों की जिस तरह से आलोचना हो रही थी, कि जो डेड बॉडीज़ को किस तरह से जलाया जा रहा है और शवों को किस तरह से वहाँ पे शवदाह गृहों में
किया जा रहा है, तो उस चीज़ को लेके अंग्रेज सरकार क्या करती थी, पूरे के पूरे गांव खाली करवा देती थी, लोगों को जिंदा जलवा दे रही थी। इस चीज़ को लेके ये काफ़ी दुखी थे सावरकर, और इन्होंने वॉल्टर रैंड कई अंग्रेज अधिकारियों की हत्या में, जैसे इनका नाम तो आता है, लेकिन उसके बाद ये इंग्लैंड चले गए और आगे इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की वहाँ पे, जो कहा जाता है कि भारत की पहली सीक्रेट सोसाइटी, हालांकि अंग्रेज़ों ने बाद में उस पर भी बैन लगा दिया इंडिया हाउस पे। अभिनव भारत एक संस्था है जो आज तक चली आ रही है, हालांकि अब उसका स्वरूप वो नहीं है, पहले से काफ़ी अलग है उसका स्वरूप। और हमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि विनायक दामोदर सावरकर मराठी के एक कवि थे, काफ़ी प्रोमिनेंट पोएट थे, इनकी सागरा प्राण तर्पण मनला और जयस्तुते करके इनकी काफ़ी अच्छी अच्छी कविताएं इन्होंने लिखी। और एक बहुत चौंकाने वाली बात मुझे, जब मैं ये किताब पढ़ रहा था और जब मैं सावरकर के बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे पता चली कि पंडित हृदयनाथ मंगेशकर, जो लता मंगेशकर जी के भाई थे, वो ऑल इंडिया रेडियो में उस समय जॉब किया करते थे, तो उन्होंने इनकी एक पोयम जयस्तुते को, और मंगेशकर बहनों ने गाया और इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर चला दिया। ताज्जुब की बात है कि उस समय नेहरू जी, जो इतने सहिष्णु माने जाते थे, इतने लिबरल माने जाते थे आलोचनाओं के प्रति, और ये सुन के बड़ा ताज्जुब होता है कि पंडित हृदयनाथ मंगेशकर की नौकरी चली गई थी। तो इस तरह की चीज़ें, इनको दबाने का प्रयास भरपूर हुआ है। हालांकि मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ कि उन्होंने मर्सी पिटीशन लिखी थी, क्योंकि उस तरह की पिटीशन जब आप पंडित जी की, जो हमारे नेहरू जी की, आप नाभा पटियाला जेल में आप देखते हैं, तो इस तरह की पिटीशन तो बहुत कांग्रेसमैन ने लिखी थी। एक तर्क जो सावरकर के समर्थकों की तरफ से बहुत प्रबलता से उठाया जाता है कि अगर सावरकर अंग्रेजों के पिट्ठू थे तो इन्हें काला पिट्ठू, मैं कांग्रेस पार्टी की भाषा यूज़ कर रहा हूँ जो यूज़ करते हैं, तो अगर ये पिट्ठू थे तो उन्हें काला पानी क्यों भेज दिया, और जो आप कहते हैं कि जिनसे अंग्रेज़ों को डर लगता था, मसलन कांग्रेस पार्टी के लोग, तो उन्हें भारत में रखा, उन्हें अच्छी अच्छी सुविधाएं दी, पर जो उनका अपना आदमी था उसको काला पानी भेजना, कोल्हू की तरह उससे तेल निकालना, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठती हैं आपस में। जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे कि महाराष्ट्र की राजनीति में अगर सावरकर जी का योगदान देखा जाए, या फिर अभी वर्तमान में देखें, जो जैसे ये बयान दिया उद्धव ठाकरे ने, तो उसको आप कितना देखते हैं, मतलब किस नज़र से? देखिए, उद्धव ठाकरे जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, हमें देखना पड़ेगा, तो उस समय एकनाथ शिंदे और बाकी लोगों के भी बयान आए, और अभी जो उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सावरकर हमारे भगवान हैं, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं है, राहुल गांधी से हमारे राजनीतिक हमारी वो है, उनकी गठबंधन है, तो राहुल गांधी ऐसा कुछ ना करें कि गठबंधन पे आँच आए या गठबंधन पे असर पड़े। तो हमें ये समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी जो कि एक सेंटर लेफ्ट पार्टी कही जाती है, और शिवसेना जो कि सेंटर राइट पार्टी कही जाती है, दोनों अगर एक साथ चल रही हैं तो दोनों को एक दूसरे से वो चीज़ें मिला के चलनी होंगी कि आप कुछ कुछ आप हमारी सुनोगे। राजनीति चूंकि ऐसी ही चलती है कि कुछ आप हमारी सुनो, कुछ हम आपकी सुनेंगे, दोनों को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। यहाँ क्या हो रहा है कि राहुल गांधी अपनी जो लेगेसी है उनकी कांग्रेस की और गांधी परिवार की, नो डाउट उनके पास एक बहुत बड़ी लेगेसी है, उनके परिवार में काफ़ी अच्छे अच्छे पदों पे गए लोग, उनके पिताजी शहीद हुए हैं देश के लिए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, हर किसी के बस की बात नहीं है। उस सब चीज़ों का सम्मान करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी को ये समझना होगा कि सिर्फ आपके जो लॉबी है या आपके लोग हैं, सिर्फ उन्होंने ही देश की आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, और भी जो लोग थे, जो अपने अपने तरीके से सभी लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। अब आपको किसी का तरीका अगर पसंद ना हो या आपको किसी के विचारों से असहमति हो तो आप उसको असहमति जता सकते हैं, लेकिन आपकी संसद सदस्यता रद्द होने पर, जो कि एक कानूनी मसला है, वो कोई राजनीतिक मसला नहीं था, वो एक कानूनी मसला था, हालांकि वो शुरू हुआ था उनकी एक स्पीच से, लेकिन वो एक कानूनी मसला है। तो अगर आप उसको ले कर और इस तरह से इतिहास के इस तरह के कैरेक्टर्स को, जिनकी बहुत इज्जत है, एक जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सावरकर ने ही, वीर सावरकर ने ही पहली बार जो हमारे 1857 के समर को पहली बार जो स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, वो वीर सावरकर ने ही नाम दिया। उन्होंने एक किताब लिखी है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 नाम से। आपको जानकर ताज्जुब होगा जयेंद्र कि इस किताब का चौथा एडिशन भगत सिंह ने भी छपवाया, और इसे क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता था इस किताब को, क्योंकि उससे पहले लोगों को ये लगता था कि ये एक सिपाहियों की बगावत थी, सिपॉय म्यूटिनी जो अंग्रेज ये शब्द दे के गए थे, ये ऐसा था। तो इसलिए वो लोगों के एक चेतना का विकास करने हेतु सावरकर में, और जहाँ पे उनका गांव है भागुर महाराष्ट्र में, आप अभी भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि लोग उनको बड़ी श्रद्धा से देखते हैं, उनके विचारों पर चलने की कोशिश करते हैं। सावरकर यूथ ब्रिगेड जैसी कुछ संस्थाएँ भी बनी हुई हैं,
तो अभी देखना ये है कि अब राहुल गांधी इस चीज़ को, क्योंकि पूरी भाजपा और पूरी जो शिवसेना है उन पे इस बात को लेकर मुखर है कि आपने सावरकर का नाम नहीं लेना चाहिए था, माफी जीवी जो ये शब्द बार बार यूज़ करते हैं, तो हालांकि ये नहीं करना चाहिए। काफ़ी बड़े राजनेता हैं राहुल गांधी, इस देश के काफ़ी एक बड़ी पार्टी के राजनेता हैं, तो उनको ऐसा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अब देखते हैं कि राजनीति है आगे क्या होता है। जी, अगर जैसे 24 का इलेक्शन आ रहा है तो इस बयान को लेकर लगभग कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इस बयान को लेकर कहीं और पड़े चाहे ना पड़े, पर महाराष्ट्र जो है, खासकर नासिक, भागोर और पुणे का जो एरिया है जहाँ सावरकर ने खुद काम किया है, तो जयेंद्र आपको ये समझना होगा कि येशु वहनी जो सावरकर की भाभी हुआ करती थी उस समय, तो उनका एक अलग से सम्मान है, एक स्थान है उनका महाराष्ट्र में महिलाओं के बीच। हम जानते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले, उनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, जैसे सावित्रीबाई फुले का एक स्थान है, वैसे उनका भी एक स्थान माना जाता है। लोग उनको पूछते हैं कि किस तरह से उन्होंने स्त्रियों के उत्थान के लिए वो तमाम चीज़ें किया करती थी अपने स्तर पर, कि लोगों को, स्त्रियों को स्वावलंबी बनाना, सिलाई कढ़ाई सिखाना। जब आप पूरे सावरकर के परिवार को देखते हैं तो उन्होंने कई दौर ऐसे बिताए हैं जो काफ़ी कष्टदायक रहे, हालांकि महात्मा गांधी के साथ ऐसा कोई दौर नहीं दिखाई पड़ता है हमें, चाहे उनकी किताब में भी, चाहे माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ जो उन्होंने लिखा और बाकी चीज़ें जो उन्होंने लिखी, ऐसा कोई दौर तो नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में हमें समझना पड़ेगा कि सावरकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर हैं। सावरकर को दलितों का भी, जो दलित कम्युनिटी है वो भी उतना ही मानती है, क्योंकि उन्होंने दलित उत्थान के लिए, जो पतित पावन मंदिर का हमने जिक्र किया इससे पहले, वो पतित पावन मंदिर ऐसे ही नहीं था, वो गांधी जी से एक लंबी बहस चली थी वीर सावरकर की। उसके बाद उन्होंने कहा कि कास्ट सिस्टम में मेरा बिलीव नहीं है, मैं सबके लिए एक ऐसा मंदिर बनाऊँगा जो पतित पावन, मतलब वो सबके लिए होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि आज भी हमें कुछ दुर्भाग्य से ऐसी कुछ घटनाएँ देखने को मिल जाती हैं हमारे देश में कि दलितों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, या कोई ऐसी कम्युनिटी से है तो उसको पानी नहीं पीने दिया जाता कुएं का, तो ऐसी चीज़ें दुर्भाग्यवश हैं हमारे देश में, कम हो रही हैं, लेकिन अभी और करने की ज़रूरत है। लेकिन आप सोचिए कि 19वीं शताब्दी में इस तरह की चीज़ें सोचना और उसको इम्प्लीमेंट भी करना एक तरह से, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। तो 2024 के इलेक्शन में जहाँ हम देखेंगे तो राहुल गांधी के साथ साथ जो शिवसेना है, जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उसको कुछ नुकसान ज़रूर हो सकता है अगर, और इसीलिए हम देखेंगे कि उद्धव ठाकरे जो ये कह रहे हैं राहुल गांधी से, तो कहीं ना कहीं ये डैमेज कंट्रोल वाली सिचुएशन है कि अब जो चीज़ें बिखर गई हैं तो अब डैमेज कंट्रोल जितना कर सकते हैं कर लें, ताकि जो कम्युनिटी है वो उस तरह से हर्ट ना हो, क्योंकि कम्युनिटी एक भारत में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है। चाहे आप किसी भी राज्य में चले जाएं, जैसे साउथ में आप देखेंगे तो लिंगायत हैं, अलग अलग तरीके की कम्युनिटीज़ हैं, यूपी में आप, बिहार में देखेंगे तो तमाम तरीके के इसमें समुदाय आपको मिलेंगे। तो समुदाय विशेष पे राजनीति एक बहुत ही अहम एलिमेंट है भारत की राजनीति का, तो उससे अछूते राहुल गांधी नहीं रह सकते। हालांकि उन्हें एक बड़े राजनेता हैं, उन्हें सोचना चाहिए इस तरह का बयान देने से पहले कि मैं वही खुलेआम इस तरह से कह रहे हैं, तो एक गैर जिम्मेदाराना, मेरे नज़र में गैर जिम्मेदाराना बयान था ये राहुल गांधी का। वो टेक्निकली वो जैसे मोदी जी को जो काउंटर कर रहे थे, वो कि वो अडानी पे काउंटर कर रहे थे, तो ये सब चीज़ें जनता को, जनता से रिलेट कर रही थी कि ठीक है आप 20,000 करोड़ पे सवाल पूछ रहे हैं कि कहाँ गए पैसे जनता के, आईपीओ क्यों कैंसिल हो गया, ये सब चीज़ें। लेकिन अब इस तरीके से इतिहास के ऐसे कैरेक्टर्स, और वो भी ऐसे, ये कोई कैरेक्टर मात्र नहीं है सावरकर, हमें ये समझना होगा, एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने काला पानी की सज़ा भुगती। और काला पानी में मैं आपको बता दूं जयेंद्र कि इस तरह की यातनाएं दी जाती थी लोगों को कि आज जो हम कोल्हू का बैल देखते हैं उस तरीके से तेल निकालना होता था, और जब इंसान के हाथ पैर थक जाते थे तो उसे उल्टा लटका कर उसके सर को रगड़ा जाता था ज़मीन में, ताकि वो तेल एक्सट्रैक्ट कर सकें अंग्रेज़, और जितना आप तेल निकालेंगे उतना ही आपको खाना मिलेगा। खाने में कीड़े पड़े रहते थे, और इन सब चीज़ों का जिक्र आप पिछले दिनों आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री भी सावरकर के जहाँ पे सेलुलर जेल जो है अंडमान में, जहाँ उनको रखा गया था, वहाँ गए और उन्होंने कहा कि ये भारत का तीर्थ है, एक युवाओं को यहाँ आना चाहिए। तो इस तरीके से जैसे वाजपेयी जी भी सावरकर को काफ़ी अच्छे से ओन करते थे और काफ़ी गर्व से कहते थे कि सावरकर, एक उनकी स्पीच भी काफ़ी फेमस है वाजपेयी जी की, सावरकर माने तेज, इस तरह से करके उन्होंने जो बयान दिया था जी। तो आप देख सकते हैं कि 24 के चुनाव में निश्चित तौर पर कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है राहुल गांधी को, न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि
पिछले कुछ सालों में जो वीर सावरकर को लेकर जो जागरूकता और जो जानकारियां लोगों तक पहुंची हैं, उसके बाद शेष भारत में भी कुछ एक एक तबका ऐसा है जो इनको काफ़ी प्रोमिनेंट एक बहुत महान क्रांतिकारी मानता है, तो उस तरीके से देखें तो राहुल गांधी अपना ही नुकसान करते नज़र आ रहे हैं। चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। राहुल गांधी ने जो वीर सावरकर को लेकर बयान दिया है, इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद। धन्यवाद।